अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ विद ट्रैक्स कोरियर कंपनी। जब मैंने अपना स्मॉल बिजनेस इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था तो मुझे कोई कोरियर कंपनी चाहिए थी जिसके साथ मैं कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बना सकूं। तो मुझे था कि मैं TCS या फिर लेपर्ड पे अकाउंट बनाऊं, बट मैंने दोनों में ऑनलाइन अप्लाई किया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने ट्रैक्स कोरियर कंपनी में अप्लाई किया। जिनको ट्रैक्स के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि ट्रैक्स एक कोरियर कंपनी है और ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ट्रैक्स में अकाउंट बनाने के लिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अकाउंट 4 या 5 दिन तक बन जाता है। जब आपका अकाउंट बन जाता है फिर ट्रैक्स वाले आपको एक सेल पर्सन भी अपॉइंट करते हैं जिससे आप कोई भी किस्म की हेल्प ले सकते हैं। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि अकाउंट को चलाना कैसे है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखती गई। ट्रैक्स वाले एक वीडियो भी देते हैं हमारे हेल्प के लिए कि अकाउंट को कैसे यूज़ करना है, लेकिन वो वीडियो कोई काम की नहीं क्योंकि एक तो वो 2018 की है, अब 2021 में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं अकाउंट में, और दूसरी बात उस वीडियो में आवाज़ इतनी हल्की है कि बहुत मुश्किल से सुनाई देता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो सेल पर्सन है उससे हम हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि जब मैंने अपना पहला ऑर्डर प्लेस किया था तो मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने अपना पहला ऑर्डर मंडे को बुक किया था। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गए, तीन दिन गुजर गए, चार दिन गुजर गए, राइडर पिक करने ही नहीं आया और मेरे पास राइडर की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो सेल पर्सन थी मेरे पास, उसको मैं रोज़ मैसेज करके पूछती थी कि राइडर कब आएगा मेरा ऑर्डर पिक करने, और वो रोज़ कहती थी आज आ जाएगा, लेकिन 4 दिन गुजर गए। फिर मैंने ट्रैक्स वालों की हेल्पलाइन में भी कॉल किया और उन्होंने भी कहा कि मैडम आज आ जाएगा, लेकिन 4 दिन गुजर गए, राइडर पिक करने नहीं आया। तो मेरे साथ हुआ क्या, चौथे दिन मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ था एक ऑनलाइन स्टोर से, मेरा वो ऑर्डर आया और लकीली जो बंदा मुझे डिलीवर करने आया था वो ट्रैक्स वालों का था। मैंने उससे बात की और मैंने उसको सब कुछ बताया, फिर उसने ट्रैक्स वालों को कॉल की और फिर जो मेरा पार्सल था वो लेकर चला गया। एंड मैंने इस राइडर का नंबर भी ले लिया था। अब जब भी मुझे कोई ऑर्डर आता है मैं इसी बंदे को फ़ोन करती हूँ और वो आके मेरा ऑर्डर पिक कर लेता है। अब मुझे नहीं पता कि अगर ये बंदा मुझे मेरा ऑर्डर डिलीवर करने नहीं आता तो मैं अपने बाकी पार्सल्स कब डिलीवर करती हूँ, राइडर कब आता मेरे पास। जिस ऑनलाइन स्टोर से मैंने ऑर्डर किया था मैंने उनसे भी बात की कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है ट्रैक्स वालों के साथ, एंड मैंने उसको ये भी बताया था कि जो सब मेरे साथ हुआ। उसने कहा ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक है, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया और राइडर पिक करने नहीं आया। फिर मैंने उससे पूछा कि पेमेंट का क्या सीन है, कब तक पेमेंट मिल जाती है। उसने कहा 1 या 2 वीक्स में और कभी डिले भी हो जाती है, लेकिन गाइस मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे विद इन 4 to 5 डेज पेमेंट मिल जाती है। सो गाइज, आई बिलीव दैट सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैं आपको ट्रैक्स रिकमेंड करूँगी या नहीं, आई थिंक येस इट्स नॉट बैड। पहली बात कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपका अकाउंट ऑनलाइन बन जाता है। दूसरी बात, राइडर आपके घर आके आपका ऑर्डर पिक कर लेता है। तीसरी बात, आपको पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाती है। मुझे सिर्फ मेरे पहले ऑर्डर में प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड गाइज, ट्रैक्स वालों के रेट भी बाकी सब कोरियर कंपनी से कम है। अगर आप ट्रैक्स की वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड गाइज, कुछ लोगों को ये क्वेरी होगी कि अकाउंट के क्या चार्जेस है, अकाउंट फ्री में बन जाता है, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर आपने ट्रैक्स वालों के फ्लायर्स ऑर्डर करने हैं फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं फ्लायर्स नहीं यूज़ करती, मैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज़ करती, उसके ऊपर ही मैं बिल लगा देती हूँ। So guys, that's it. I hope that you liked the video. Don't forget to like, subscribe, and follow me on Instagram. Allah Hafiz.